राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं ने वोटिंग में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। 199 विधानसभा सीटों पर 74.62% वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 74.72 और पुरुषों का 74.53% रहा। 23 सीटों में महिलाओं ने बंपर वोटिंग की। अब तक हुई वोटिंग में ये एक नया रिकॉर्ड है। 2018 में 74.71% वोटिंग हुई थी। उस समय पुरुषों का मतदान प्रतिशत 73.80 और महिलाओं का मतदान 74.67 रहा। इस बार भी यही ट्रेंड बरकरार है। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि प्रदेश में जब भी महिलाओं ने बंपर वोटिंग की है तब तब सत्ता बदली है। 2003, 2013 और 2018 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा था, इसी कारण नतीजे भी चौंकाने वाले रहे थे। 2008 में महिलाओं का वोट प्रतिशत मामूली बढ़ा, लेकिन ओवरऑल मतदान का प्रतिशत कम रहा। ऐसे में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को 78 और कांग्रेस को 96 सीटें मिली थी। इस पर कांग्रेस ने बसपा और अन्य के सहयोग से सरकार बनाई थी। प्रदेश में पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का ट्रेंड देखें तो भागीदार लगातार बढ़ रही है। 2018 में 189 महिला प्रत्याशी मैदान में थी। इनमें से 24 यानी कि 12.6 प्रत्याशी चुनी गई, जबकि पुरुषों का सफलता प्रतिशत 8.44% रहा। 2013 में महिला प्रत्याशियों का सफलता प्रतिशत 16.86% था। इस बार कांग्रेस ने 28 और बीजेपी ने 20 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं, यानी कि बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 14% महिलाओं को ही टिकट दिए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 1000 पुरुष वोटर्स के अनुपात में महिला वोटर्स की संख्या में भी लगातार इजाफा हुआ है। 1972 में यह अनुपात 723 था, जो 1998 में 786 हो गया। 2003 में 841 से बढ़कर 2013 में 892 और 2018 में 914 पर पहुंच गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष योजनाएं लागू की। कांग्रेस ने महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन बांटे। चुनाव से पहले गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देने की घोषणा की। 1.05 करोड़ परिवारों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर, रोडवेज बसों में मुफ्त सफर जैसे वादे किए। वहीं बीजेपी महिला आरक्षण बिल के साथ ही केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना और महिला शक्ति केंद्र योजना के जरिए महिला मतदाताओं को लुभाती नजर आई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।